नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान विषय के बारे में पढ़ा रही हूँ। और इसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और इसके अंदर हम ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में और हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त परिवहन तंत्र जो है वो एक शरीर का परिवहन तंत्र है, या परिसंचरण तंत्र कह लीजिए, जो कि हमारे शरीर में, जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी और सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और ऊतक कोशिकाओं से व्यर्थ पदार्थों को रक्त के द्वारा लाया भी जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स में पहला जो पार्ट है वो है ब्लड यानी रक्त, दूसरा है हृदय हार्ट, और तीसरा पार्ट है रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। तो एक एक लाइन में मैं इनको अभी समझा देती हूँ, उसके बाद में एक एक पार्ट को हम डिटेल में लेंगे। पहला है रक्त यानी ब्लड। तो रक्त वो पदार्थ है जिसके द्वारा कि विभिन्न पदार्थ जो हमारी शरीर के ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ तक वो सभी पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को वहाँ तक लेके जाता है, और वहाँ से व्यर्थ पदार्थ, वहाँ से जो भी व्यर्थ पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे पदार्थ हैं, उनको वो लेके आता है। तो ये एक लिक्विड है, एक ऐसा पदार्थ है जो अच्छे पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है ऊतकों तक, और ऊतकों से वापस व्यर्थ पदार्थों को लेके आता है। दूसरा पार्ट जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का वो है हार्ट यानी हृदय। और हृदय को हम एक पंप कहते हैं, कि जैसे एक मोटर होती है और वो नीचे से टैंक से पानी को फेंकती है, वैसे ही हृदय भी एक पंप है, एक संचालक शक्ति है जो कि हमारे हार्ट में रक्त को आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है। वो अपने आप ही हमारे शरीर में बनी हुई है और उसे हम एक संचालक शक्ति कहते हैं, हृदय को, जो कि रक्त को आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाती है। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। और रक्त वाहिकाएं वे मार्ग हैं जिनसे कि ब्लड ऊतकों तक जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन इन मार्ग से ऊतकों तक जाती है, और ऊतकों से वापस व्यर्थ पदार्थ लाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक एक लाइन में समझा है, अब हम एक एक को डिटेल में लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लड यानी रक्त के बारे में। रक्त एक लाल कलर का गाढ़ा द्रव होता है जो कि धमनियों में चमकीला लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि धमनियों में ये ऑक्सीकृत होता है, मतलब जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो बाहर से, एनवायरनमेंट से आई हुई ऑक्सीजन को मिला के और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है, इसलिए ये चमकीला लाल कलर का होता है। जबकि शिराओं में ये बैंगनी लाल कलर का होता है, क्योंकि वहाँ ये अनऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वहाँ ऑक्सीजन तो ऊतकों तक चली जाती है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में आ जाती है और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और बैंगनी लाल कलर का होता है। उसके अलावा हमारे शरीर में रक्त करीब हमारे वजन का 5% भाग बनाता है, और इस प्रकार औसतन हम ये कह लेंगे कि 5 से 7 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है। अब रक्त में ही एक सब टॉपिक हम ले रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना। रक्त देखने में हालांकि बिल्कुल लिक्विड होता है, द्रव मालूम होता है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में रक्त को देखते हैं तो हम देखते हैं कि रक्त के दो पार्ट हैं, एक लिक्विड पार्ट है, द्रव पार्ट है, और उसमें छोटे छोटे से कुछ ठोस रचनाएं भी दिखाई देती हैं, और वो जो ठोस रचनाएं होती हैं हम उन्हें रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा रक्त है वो 45% रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स, रक्ताणुओं से बना हुआ है,
और 55% द्रवपाट, द्रवपाट को हम कहते हैं रक्तवारी यानी प्लाज्मा। तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं जो कि लिक्विड पार्ट में तैरती हुई दिखाई देती हैं। अब जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा और रक्ताणु हुए, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ प्लाज्मा, प्लाज्मा यानी रक्तवारी। प्लाज्मा या रक्तवारी जो है वो रक्त का साफ द्रव जैसा भाग है। द्रव वाला भाग जो है वो बिल्कुल हल्के पीले कलर का, और आप ये कह लीजिए जो फफोले में कलर, जिस कलर का पानी होता है उस कलर का प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में कई सारी रचनाएं या कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और उन पदार्थों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सबसे पहले जो है वो तो है पानी। 90% जो है प्लाज्मा का वो पानी का ही भाग होता है, मतलब प्लाज्मा में 90% भाग पानी से बना हुआ होता है। और जो प्लाज्मा में नया पानी आता जा रहा है वो जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं शरीर की उसमें ये जो पानी है वो उसको रिप्लेस करता रहता है। दूसरा पार्ट है प्लाज्मा में खनिज लवण। खनिज लवणों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और ये जितने भी खनिज लवण है वो जीवद्रव्य को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार को निष्प्रभावित करने के लिए जो बफरिंग सब्सटेंस, मतलब जो प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं वो भी इन्हीं से बनाए जाते हैं और वो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तीसरा पार्ट इसमें है प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, और वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये सब जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और चूंकि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है इसलिए ये प्रोटीन के कारण थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, प्रोटीन थोड़ा गाढ़ा रूप का होता है, मतलब कोलोइडल टाइप होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं होता। तो प्रोटीन के कारण जो प्लाज्मा है उसमें विस्कोसिटी यानी लसलसापन आ जाता है, और चूंकि ये लसलसापन हो जाता है, ये विस्कस हो जाता है प्लाज्मा, तो ये केशिकीय दीवारों से ऊतकों की तरफ अधिक द्रव को बहने से रोकता है और रक्त दबाव को बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा प्लाज्मा में भोज्य पदार्थ होते हैं। भोज्य पदार्थों में जो हम खाना खाते हैं उसका जो बिल्कुल सरल रूप होता है, जो भी हमने खाना खाया, चपाती, दाल, दूध, अंडा, सब्जियां, जो भी हमने खाई, वो एंड में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो सरल रूप है भोजन का वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आहार नाल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो रक्त में आ जाता है और वो प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके अलावा प्लाज्मा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। इन गैसेस के अलावा प्लाज्मा में कुछ व्यर्थ पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब पाए जाते हैं, और ये सभी प्रोटीन के चयापचय के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। जब प्रोटीन का चयापचय होता है तो जो आखिर में बच जाता है वो यही पदार्थ होते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये व्यर्थ पदार्थ जो हैं वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और ये यकृत में तो बनते हैं ये सारे जो पदार्थ हैं, और गुर्दों के द्वारा यानी जो हमारी किडनी है, वृक्क है, गुर्दे या वृक्क एक ही चीज़ है, और किडनी के द्वारा इनको उत्सर्जित किया जाता है। जो प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट्स हैं ना, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको यहाँ से निष्कासित किया जाता है। उसके अलावा प्लाज्मा में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज और प्रतिविष
यानी एंटीटॉक्सिन्स नामक जटिल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, ये हमें संक्रमण के विरुद्ध हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब जब इन्फेक्शन्स होते हैं लोगों के, तो जिनके एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स हाई होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ जिनकी हाई है तो उनको इन्फेक्शन नहीं लगता है। बाय द वे, हो भी जाए इन्फेक्शन या संक्रमण तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसलिए प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डकलेस ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं, तो डकलेस ग्लैंड से पैदा होने वाले, स्रावित होने वाले जो एक लिक्विड होता है, हम उसे हार्मोन कहते हैं। जो भी पदार्थ स्रावित होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं, और वो हार्मोन भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ होते हैं, और चूँकि ये रासायनिक पदार्थ है तो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन करने में मदद करते हैं। और कहाँ रासायनिक परिवर्तन करते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब जो हमारा पूरा आहार नाल है उसमें पाए जाते हैं, तरह तरह से, जहाँ भी, जैसे सुक्रोज को पाचन करना है सुक्रोज का तो सुक्रेज नाम का एंजाइम होगा, लैक्टोज को करना है तो लैक्टेज एंजाइम होगा, तो कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सारे एंजाइम्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम जो रक्त परिसंचरण तंत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मेनली हमको दो पार्ट पढ़ने हैं, एक ब्लड और एक हार्ट। तो ब्लड में, ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने शुरू किया, और ब्लड के कॉम्पोजिशन में हमने पहला पार्ट प्लाज्मा है और वो हमने आज कवर किया है। उसके बाद में अब हम रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।